दोस्तों, जब से ये नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है तब से जो जो लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना व्हीकल चला रहे थे वो सब ही अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा लाइसेंस है जो इस बात का प्रूफ होता है कि आपको व्हीकल चलाना आता है। और आप अगर व्हीकल चला रहे हैं तो उससे दूसरे किसी लोगों को कोई खतरा नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। कभी भी व्हीकल चलाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बेहद ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पहले के मुकाबले में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत इजी हो गया है, पर आज भी अगर आप एजेंट के पास जाएंगे तो एजेंट सीधा आपसे मांगते हैं 5,000 दे दीजिए, 7,000 दे दीजिए, 3,000 दे दीजिए, आपका लाइसेंस बन जाएगा। पर आपको एजेंट को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आप अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और मात्र 350 रुपये में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आज हम आपको आज की वीडियो में यही बताएंगे कि कैसे आप अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले sarthi.parivahan.gov.in पर जाना होगा। sarthi.parivahan.gov.in पर जाने के बाद जब आप पहली बार इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये आपसे आपका स्टेट पूछती है। आप जिस भी स्टेट के रेजिडेंट हैं और जिस भी स्टेट में आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें ये यहाँ पर ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन। इसमें आपको न्यू लर्नर्स लाइसेंस पर अप्लाई करना होगा क्योंकि आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना है। इसमें आपको ये 5 स्टेप्स दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा और आपको स्लॉट बुक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस पर सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना होगा। अगर आप डिप्लोमेट, रिपेट्रिएट, रेफ्यूजी वगैरह हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन होकर आएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आप अपना सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे तो अपने आप RTO ऑफिस सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अगर RTO ऑफिस में आप नहीं है तो आप अपना RTO ऑफिस खुद से भी मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर पिन कोड डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। या आपने स्टेट सिलेक्ट करा, यहाँ पर आपने RTO ऑफिस, जो भी आपका RTO ऑफिस पड़ता है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। RTO ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेंट का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है आपको वो फिल करना होगा। उसके बाद रिलेशन, फादर है तो फादर का, हस्बैंड है तो हस्बैंड का सेलेक्ट करिए यहाँ से, गार्जियन है तो गार्जियन का, नाम, मिडिल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल दीजिए। फुल नेम आपका जो भी एज पर रिकॉर्ड है जो आपने ऊपर फिल किया है वो यहाँ पर मैंशन हो जाएगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अपना जेंडर फिल कर दीजिए। जेंडर फिल करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें तो आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना होगा, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया। इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन डाल दीजिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, 10+2 है, below 8 है, जो भी है वो आप अपनी यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आप अपना ब्लड ग्रुप मेंशन कर दीजिए, ये मैंडेटरी नहीं है बट अगर आपको पता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर दीजिए और अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए। मोबाइल नंबर दोस्तों आपका मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपको देना ही होगा क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर आपके मैसेजेस आते हैं। तो ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए।
एड्रेस में आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करिए, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, फिर तहसील सेलेक्ट करिए, उसके बाद अपना विलेज या टाउन जो भी है वो सिलेक्ट करिए, और बाकी का एड्रेस अपना आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद जब आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाए तो उसके बाद आप अपनी ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस अगर बताना चाहें तो आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। ये आप सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर लीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी प्रेजेंट एड्रेस की तरह ही सेम है तो आप इस कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। बट अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो आपको इस साइड प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है और इस साइड आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। हमारा सेम है तो हमने कॉपी टू परमानेंट एड्रेस क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको किस किस व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल। तो हमें अप्लाई करना है मोटरसाइकिल विदाउट गियर यानी स्कूटी वगैरह के लिए, और लाइट मोटर व्हीकल यानी कार वगैरह के लिए। तो ये यहाँ पर हमने क्लिक करा और इसको ऊपर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर ऐड हो जाएगा। अगर आपके से कोई गलती से ऐड हो गया है, वो आपको हटाना है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने से पहले एक बार आप अपना पूरा फॉर्म रिव्यू ज़रूर कर लीजिए। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये एक्नॉलेजमेंट आएगी। एक्नॉलेजमेंट को और एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार प्रिंट ज़रूर कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पर यहाँ पर ये प्रिंट फॉर्म वन है, इसको प्रिंट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसको प्रिंट करके साइन करके आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके पैन नंबर, एड्रेस प्रूफ, मतलब जो भी आपका आईडी प्रूफ होगा, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, और उसके साथ साथ आपको ये फॉर्म वन भी अपलोड करना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म हमारा वो हो गया है फिल। उसके बाद हमारी बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। यहाँ पर हम ये अपनी डिटेल्स चेक करने के बाद ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद ये हमारे पास अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन आ गया है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए, प्रूफ सेलेक्ट करिए, जो भी आप पैन कार्ड देना चाहते हैं या जो भी आपका प्रूफ है वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डालिए। दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट वो जेपीईजी, जेपीजी या पीडीएफ ही हो सकते हैं, और उनका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 200 KB ही हो सकता है, उससे ज़्यादा साइज़ का नहीं अपलोड होगा। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखिए कि जब आप अपलोड स्कैन करके अपने पास डॉक्यूमेंट रखें तो जो फाइल का नेम है उसके अंदर ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए और स्पेस भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सपोज हम पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो पैन कार्ड करके हमने उसको सेव कर लिया तो वो अपलोड नहीं होगा। उसके फाइल नेम में आपको कोई स्पेस नहीं रखना है। जैसे ये देखिए पैन कार्ड ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके से तभी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो पाएगा। हमने यहाँ पर एज प्रूफ अपलोड कर दिया है, एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दिया है। ये देखिए ये फॉर्म वन है जिसका मैंने बोला आप प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट लेने से पहले आपके पास ये डिक्लेरेशंस हैं, ये डिक्लेरेशंस को अच्छे से पढ़ के टिक करके तभी आप साइन कीजिए और अपलोड कीजिए। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। इसके बाद अब बारी आती है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। इस विंडो में आप अपलोड फोटो करेंगे, यहाँ पर ब्राउज करेंगे तो फोटो अपलोड होगा, और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। फोटो और सिग्नेचर में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो आपको मिनिमम रखना है, मतलब 10 से 20 KB के बीच में रखना है, उससे ज़्यादा का साइज आपका नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का साइज आपका हो रहा है तो फिर आपके ये अपलोड नहीं लेगा। तो अपलोड होने के लिए जो साइज है वो 10 से 20 KB के बीच होना ज़रूरी है, तभी आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। जब आप अपलोड करेंगे तो ये यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर नजर आएगा अपलोड हो जाने के बाद। ये आपने यहाँ पर डायमेंशंस भी दी हुई है, विड्थ इतनी होनी चाहिए, इतने इंचेस होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। अगर आप इतने विड्थ इन डायमेंशंस में रखेंगे तो वो बहुत इजीली अपलोड हो जाएगा, और दोनों ही फाइल का साइज जैसे हम कह रहे हैं 10 KB से 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। जेपीईजी, जेपीजी और जेपीईजी, जेपीजी फॉर्मेट ही अलाउड होगा, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट अलाउड नहीं होगा। इसके बाद आप सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया है। इसके बाद बारी आती है फोर्थ स्टेप की, यानी कि फीस पेमेंट की। फीस पेमेंट के लिए आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा। इस पर रिडायरेक्ट करने के बाद ये 350 रुपीज़ की फीस आ गई है। एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, और इसके बाद आप अपनी पेमेंट जो है वो
पूरी कर लेंगे। जब आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी तो पेमेंट पूरी होने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट, जो आपकी रिसीट होगी, रिसीट को प्रिंट करना है और प्रिंट करके अपने पास रखना है। ये स्टेप पूरा होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है या लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग। हमने एप्लीकेशन डिटेल्स फिल कर दी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए, फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए, फीस भी पे कर दी। तो इसके बाद अब बात आती है लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुकिंग की। तो जब हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आएगी। इस वाली विंडो में एक मोबाइल पर आपके पास मैसेज गया होगा, उस मैसेज को डाल दीजिए। उसके बाद आपके पास ये पेज खुलकर आता है, इसमें प्रोसीड टू बुक पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर बुक पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये कैलेंडर शो होगा। इस कैलेंडर में आप इधर साइड में देख सकते हैं कि जो ग्रीन में डेट लिखी हुई है उसमें स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो रेड में लिखी हुई है उसमें स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, जो ब्लू में है वो हॉलीडे है और जो ग्रे में है वो प्रीवियस की ज़्यादा फ्यूचर की डेट्स हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए बेसिकली कि जो भी ग्रीन स्लॉट में है उन ग्रीन स्लॉट में आपको सेलेक्ट करना है अपनी बुकिंग। जब आपको स्लॉट मिल जाए और आप डिसाइड कर लें कि आपको किस डेट को अपने टेस्ट के लिए जाना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जब 19 सिलेक्ट करी जो ग्रीन दिखा रहा था तो यहाँ पर तीन टाइम स्लॉट आ गए। 10:30 टू 12:30 में कोई अवेलेबल सीट नहीं है, 12:45 से 14 के बीच में 36 सीट्स अवेलेबल हैं, 15 से 16:30 के बीच में 67 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इन दोनों में से मुझे जो भी टाइम सुटेबल लगे, आपके क्लाइंट को या आपको जो भी सुटेबल लगे, आप उस पर क्लिक करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। बुक स्लॉट करने के बाद आप ये सारा जो एक्नॉलेजमेंट है ये आप प्रिंट कर लीजिए, सारा फॉर्म वन और ये सारी डिटेल्स आप प्रिंट कर लीजिए। और ये सब प्रिंट करने के बाद आप जो आपको स्लॉट मिला है, जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट मिली है, आप उस दिन RTO ऑफिस में पहुंच जाइए और वहां पर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट में पास होने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। दोस्तों लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 1 महीने से 6 महीने के बीच की होती है। 1 महीने के बाद, लर्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको व्हीकल चलाना आ गया है तो। और 6 महीने तक अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।